नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशेषण और विशेष। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक से दो नंबर के। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप लोग इतने कन्फ्यूज रहते हैं इसमें कि उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसकी हेल्प से आप मात्र 2 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर पाएंगे और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा परीक्षा में, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विशेषण की। विशेषण ऑलरेडी दोस्तों मैं ट्रिक की हेल्प से पढ़ा चुका हूँ पूरा डिटेल में, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा तो आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन विशेषण विशेष पहचानना जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। यह भूरी गाय है, तो गाय तो है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या कैसी है? भूरी गाय है। तो कहने का मतलब विशेषण आपको अगर पता करना हो कहीं पर भी तो आपको कैसी या कैसा का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको आंसर मिल रहा है, जिससे भी आंसर मिल रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे या भूरी गाय, तो आप क्वेश्चन करिए या कैसी गाय है, तो आप कहेंगे भूरी गाय है। तो इसका मतलब जो आपको आंसर मिला वो आपका क्या होगा? विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया? विशेषण। अब जैसे आम खट्टे हैं, तो आम कैसे हैं? तो आप कहेंगे सर आम तो खट्टे हैं। इसका मतलब खट्टे क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया दोस्तों। तो ये सारी ट्रिकिंग मैंने अपने विशेषण वाले वीडियो में बता रखी है पूरी डिटेल में, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं विशेष की। विशेष से दोस्तों विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। जैसे कि देखिए आसमान का रंग नीला है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करिए आप, आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है, तो आप क्या करेंगे, कैसा लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? आसमान का रंग कैसा है? तो आप बोलेंगे सर आसमान का रंग तो नीला है। इसका मतलब नीला क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको विशेषण पता चल गया। अब विशेष से सरल जी कैसे पता करें? तो विशेष से पता करने के लिए किसकी, ये किसके बारे में बता रहा है, नीला क्या है भाई? तो आप क्या बोलेंगे? नीला भाई आसमान के बारे में ही बात हो रही है कि आसमान का रंग नीला है। इसका मतलब क्या हो गया? आसमान आपका विशेष हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? विशेष हो गया। अब जैसे रीना सुंदर है, तो सबको पता है भाई सुंदर क्या है? विशेषण है। नहीं पता है फिर भी देख लीजिए रीना कैसी है, तो आप बताएंगे सर रीना सुंदर है। कैसी है मतलब कि सुंदर है, तो ठीक है ये तो आपको मिल गया। तो सुंदर क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको ये किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर भाई कौन है? तो आप कहेंगे सर रीना है, रीना के बारे में बात चल रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेष हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप विशेषण विशेष को पता कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये इतने टफ हो जाते हैं कि आपको पता करने में थोड़ी मुश्किल होती थी, उसी के लिए मैं अभी आगे ट्रिक आपको बताऊंगा। वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, और प्रविशेषण जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, तो इसको भी समझ लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं। तो देखिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब नाम से ही पता चला प्रविशेषण, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताएं तो उन्हें कहते हैं। अब आपको विशेषण तो पता ही है, जैसे वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो वह कैसा विद्यार्थी? तो आपने कहा अच्छा विद्यार्थी है। इसका मतलब ये क्या हुआ? विशेषण हो गया। लेकिन जब बहुत आपने लगा दिया तो ये विशेषण की भी विशेषता आप कर रहे हैं बहुत लगा के, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया प्रविशेषण। अब जैसे कुशाल बड़ा नीडर है, तो नीडर इसमें क्या हो गया दोस्तों? नीडर इसमें विशेषण हो गया, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा विशेषण हो गया। तो अब बड़ा आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या? कुशाल बड़ा नीडर है। आप उसकी निडर की भी तो विशेषण था, उसकी भी और विशेषता बताने लगे, बहुत निडर है, अत्यधिक निडर है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? तो ये आपका क्या होगा? कुशल बड़ा निडर है। तुम्हारे पिताजी बहुत दयालु हैं। अब दयालु तो पहले से ही विशेषण है, लेकिन आपने क्या किया? बहुत लगा दिया, बहुत दयालु हैं। इसका मतलब आप क्या विशेषण की भी विशेषता बता दिए तो वो क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। लेकिन आप बात कर लेते हैं दोस्तों जो विशेषण विशेष की ट्रिक, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग गलती करते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन जो है 2 तरीके के मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एक डायरेक्ट आपको शब्द दे देगा और उसमें आपको बताना होगा कि विशेषण कौन सा है और विशेष कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको बताना होता है।
फिर दूसरा क्या होता है कि वाक्य दे दिया जाता है आपको, और वहाँ पे आपको बताना होता है कि विशेषण और विशेष्य कौन सा है। लेकिन दोस्तों वाक्य भी जो आपको देगा तो आपको चार ऑप्शन देगा, तो चार ऑप्शन में भी क्या बोलेगा, जैसे कोई चीज़ बोल देगा कि वो इस वाक्य में विशेषण है या विशेष्य कौन सा है, तो आपको क्या करेगा, चार ऑप्शन देगा। इसका मतलब आपको वहाँ पे भी चार शब्द दे देगा, ठीक है। तो अल्टीमेट आपका गोल क्या है कि शब्द जो दिए जाएंगे, जो शब्द दिए जाएंगे उससे हमें पकड़ना है कि विशेषण है कोई चीज़ या विशेष्य है, ठीक है। तो ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, चलिए देख लेते हैं ट्रिक क्या है। ये तो बता दिया मैंने आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब बात कर लेते हैं कि ट्रिक क्या होगी दोस्तों। तो कुछ नहीं, ट्रिक ऐसी होगी कि जो भी आपको शब्द दिए गए हैं, चाहे वो ऑप्शन में हो या फिर डायरेक्ट शब्द ही दे दिया गया हो, पूछा गया हो, तो जैसे हम एक ट्रिक के लिए ले लेते हैं आपको एग्जाम्पल के लिए, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो एक ले लेते हैं पाठ और एक ले लेते हैं पाठ्य, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो भी शब्द दिए गए हैं उनके आगे हमको क्या लगा देना है, संज्ञा लगा देनी है दोस्तों, ठीक है। संज्ञा लगा देंगे, उनके आगे लगाना है, ठीक है। तो जो भी शब्द दिए उनके आगे संज्ञा लगाएंगे, अगर संज्ञा लगाने पे हमें बोलने में जो है वो अच्छा लगता है, मतलब सटीक पड़ता है, तो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगर बोलने में आपको सही नहीं पड़ता है तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बस इतनी ही ट्रिक है। अब जैसे देख लीजिए पाठ है, पाठ के आगे हम क्या लगा दें, संज्ञा, पुस्तक लगा देते हैं दोस्तों, उसी चीज़ से रिलेटेड ही लगाइए, ऐसा नहीं कुछ भी लगा दें, ठीक है। अब पाठ पुस्तक, पाठ के आगे लगा देते हैं पुस्तक, तो दोनों में देखिए किसको बोलने में सही लग रहा है, पाठ पुस्तक होता है या पाठ्य पुस्तक होता है। जी हाँ सर, पाठ्य पुस्तक होता है। तो इसका मतलब पाठ क्या हो गया, जो मैंने क्या बताया कि जो संज्ञा लगाने के बाद, अगर जो शब्द दिया गया उसके आगे संज्ञा लगाने के बाद आपको सही लगता है कि मतलब बोलने में सही चीज़ आ रही है, तो क्या हो जाती है, विशेषण हो जाती है। तो इसका मतलब पाठ्य आपका क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, जबकि पाठ पुस्तक जैसा कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेष हो गया। पाठ जो होता है आपका वो विशेष होता है। तो यही ट्रिक हम फॉलो करेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन अब देख लेते हैं एक एक करके, आप लोग खुद ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले देखिए धन और धनवान दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या करना है। सर ने बताया था हमें कि संज्ञा लगा देनी है, और संज्ञा भी ऐसी लगानी है जो उससे रिलेटेड हो। जैसे देखिए ज़्यादातर जगह तो जो लगेगा वो मैं बताऊंगा ही। जैसे देखिए धन धनवान, तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं सर संज्ञा लगा देते हैं, तो व्यक्ति लगा देते हैं आगे, ठीक है। व्यक्ति लगा देते हैं, यहाँ पे भी व्यक्ति लगा देते हैं, ठीक है। तो धन व्यक्ति हो सही पढ़ रहा है या धनवान व्यक्ति, तो बिल्कुल सही सर आप कह रहे हैं, धनवान व्यक्ति होता है। धन व्यक्ति क्या होता है, इसका मतलब क्या, हमने जो दिया हुआ था उसके आगे हमने संज्ञा लगाई और हमने देखा कि धनवान व्यक्ति ज़्यादा सटीक पढ़ रहा है, इसका मतलब धनवान आपका क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और धन क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रदेश और प्रादेशिक, तो प्रादेशिक के साथ क्या संज्ञा लगा देते हैं, हम लगा देते हैं समाचार, समाचार लगा देते हैं, यहाँ पे भी समाचार लगाते हैं। तो प्रदेश समाचार और प्रादेशिक समाचार दोनों में आपको कौन सा सही लग रहा है, प्रादेशिक समाचार ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, इसका मतलब प्रादेशिक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा, जो सटीक पढ़े वो आपका क्या हो जाता है, विशेषण, और जो सटीक नहीं पढ़ रहा वो क्या होगा, विशेष हो गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अग्नि और आग्नेय, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएं दोस्तों, आप अलग अलग संज्ञा लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना वही है जो उस चीज़ से रिलेटेड, वैसा नहीं कुछ भी लगा दीजिए। हाँ संज्ञा आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो उस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे अग्नि और आग्नेय, तो आग्नेय क्या होता है, आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी होती है, लेकिन उसके बाद आप सभी क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। और अग्नि चट्टान लिख देते हैं, ठीक है, जो भी लगाएं वो दोनों के साथ लगाएं। अब देखिए आग्नेय चट्टान सही है कि अग्नि चट्टान सही है, सटीक कौन सा बैठ रहा है, आग्नेय चट्टान, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया विशेषण, और ये क्या हो गया, विशेष, अग्नि आपकी, इसका मतलब विशेष ये होता है, ठीक है। अब सभा और सभ्य, तो सभ्य के साथ क्या लगा देते हैं, हमें संज्ञा लगानी तो हम व्यक्ति लगा देते हैं, ठीक है। व्यक्ति लगा लो, बालक लगा लो, जो भी आपको संज्ञा सेट पड़े, तो सभ्य व्यक्ति, सभ्य बालक, और सभा के साथ लगा लेते हैं, सभा व्यक्ति और सभा बालक, तो क्या ये सटीक पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा, ठीक है। और सभ्य क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये सटीक पड़ रहा है, सभ्य व्यक्ति होता है, सभ्य बालक होता है, सभा विशेष, सभा व्यक्ति थोड़ी होता है। अब जैसे देखिए आराध्य और आराधना,
तो आराध्य से रिलेटेड क्या है संज्ञा हम लगा देते हैं, देव लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देव लगा देते हैं, आराधना देव होता है या आराध्य देव होता है? बिल्कुल सही सर, आराध्य देव होता है, सटीक यही पढ़ रहा है। तो इसका मतलब आराध्य आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है दोस्तों। और आराधना क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जो चीज़ सटीक ना बैठे वो चीज़ आपकी क्या हो गई, विशेष्य हो गई, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या देख लेते हैं, गुणी और गुण इनमें पहचानना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं सर, उसमें हमें क्या करना है, गुणी गुण इसमें क्या लगा देते हैं, संज्ञा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति या बालक कुछ भी लगा लीजिए। गुणी यहाँ पे भी व्यक्ति या बालक लगा लीजिए, तो गुणी व्यक्ति या गुणी बालक, ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है। गुण व्यक्ति और गुण बालक ये क्या भाई, ये तो कुछ सटीक ही नहीं बैठ रहा है ना। गुणी व्यक्ति होता है ना कि गुण व्यक्ति होता है, इसका मतलब गुणी क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और गुण व्यक्ति, गुण व्यक्ति जैसा कुछ नहीं होता, ना ही गुण बालक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका विशेष्य हो गया, ठीक है, ये आपका विशेष्य हो गया। अब घर और घरेलू में देखना है, तो आपको बताना कि विशेषण है विशेष्य, तो कुछ नहीं करना, फिर से हमें क्या करना है, संज्ञा लगा देना है। तो घरेलू में क्या लगा देते हैं, व्यक्ति लगा देते हैं, ठीक है, या बालक लगा दें या महिला लगा दें, ठीक, कुछ भी लगा दीजिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब घर व्यक्ति नहीं सटीक पड़ रहा, घर महिला नहीं सटीक पड़ रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया, ठीक है। घर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। आप घरेलू देख लेते हैं, घरेलू व्यक्ति बिल्कुल सही पड़ रहा, सटीक पड़ रहा। घरेलू महिला, घरेलू बालक, क्या एकदम सब कुछ सटीक पड़ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये घरेलू आपका हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। फिर देख लीजिए जल और जलीय, तो जलीय क्या होता है भाई, जीव होता है, और यहाँ पर लगा दें जीव, तो क्या हो गया, जल जीव। जल जीव जैसा कुछ होता है, नहीं होता है, जल जीव क्या होता है भाई, इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। और जलीय जीव ये तो सटीक बैठ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दया और दयालु, अब दयालु कौन होता है भाई, दयालु व्यक्ति लगा लीजिए भाई, व्यक्ति बालक कुछ भी जो लगाना हो, ठीक है, दया के भी आगे व्यक्ति लगा लीजिए। अब दया व्यक्ति सटीक पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, विशेष्य हो गया। दयालु व्यक्ति बिल्कुल सटीक पड़ रहा है, दयालु बालक, दयालु महिला, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई आपकी विशेषण हो गई, क्योंकि जो सटीक बैठे वही विशेषण होता है, ठीक है। धर्म और धार्मिक, ठीक है, धार्मिक के आगे क्या लगा लेंगे, संज्ञा लगाना, फिर से हम लगा लेते हैं महिला लगा लेते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, वही लगाना होता है आपको, महिला पुरुष व्यक्ति बालक, ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ें लगेंगी। धर्म महिला, ठीक है, अब धर्म महिला जैसा आपने कुछ सुना है, कभी नहीं सुना होगा, धर्म महिला क्या होता है, धार्मिक महिला होता है, धार्मिक स्त्री, धार्मिक महिला, धार्मिक पुरुष, ये सारी चीज़ें क्या, तो जो सटीक बैठे वो क्या, विशेषण, और जो सटीक ना बैठे वो क्या, विशेष। चयन और चयनित, अब चयनित, चयनित से रिलेटेड हमें संज्ञा छांटनी है, तो हम क्या कर लेंगे, चयनित छात्र कर देते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम उसके आगे, अभ्यर्थी कर सकते हैं, ठीक है, सब उसी से रिलेटेड ही रखना चाहिए, ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चयन छात्र सटीक बैठा, नहीं पढ़ा, चयन अभ्यर्थी नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेष ही हो गया। अब चयनित छात्र बिल्कुल सही, चयनित मतलब छात्र को चयनित किया गया, चयनित अभ्यर्थी मतलब जो आप लोग अभ्यर्थी हैं वो चयन हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है बिल्कुल सर जी, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका विशेषण हो गया, ठीक है, और चयन आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। तो दोस्तों अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं, निश्चय और निश्चित, तो क्या लगा लेते हैं, निश्चित के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, संज्ञा तो आप लगा लीजिए फल, निश्चित फल यानी कि आपको एक अमाउंट आपको कंफर्म है कि इतने फल हैं, निश्चय फल, निश्चय फल कुछ होता है दोस्तों, नहीं होता है, बिल्कुल निश्चित फल होता है, कुछ भी लगा सकते हैं आप फल, निश्चित से रिलेटेड जो भी आपको सटीक बैठे, तो ये आपको सटीक बैठ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। जो आपको नहीं सटीक बैठ रहा वो आपका क्या हो गया, विशेष हो गया, ठीक है। अब प्रमाण और प्रामाणिक, तो प्रमाण क्या, प्रामाणिक क्या लगा देते हैं, ग्रंथ लगा देते हैं भाई, यहाँ पे भी ग्रंथ लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रमाण ग्रंथ होता है, कुछ नहीं होता, प्रामाणिक ग्रंथ बिल्कुल सही, ये सटीक बैठ रहा, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। प्रमाण आपका क्या हो गया, विशेष हो गया भाई, जो सटीक ही नहीं बैठ रहा है वो तो क्या हो गया, विशेष ही हो जाएगा। मास और मासिक, तो अब मासिक क्या होता है, मासिक दोस्तों आपकी पत्रिका होती है, ठीक है, मैगजीन जिसे बोलते हैं, अब इसके आगे भी पत्रिका लगा लीजिए, ठीक है, तो क्या हो गया, मासिक पत्रिका,
मासिक पत्रिका बिल्कुल सेट बैठ रहा है। मास पत्रिका क्या होता है? कुछ नहीं होता दोस्तों। तो इसका मतलब जो सेट ना बैठे वो क्या? विशेष हो गया दोस्तों, ठीक है। मास क्या हो गया? विशेष। और मासिक क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है, विशेषण हो गया। फिर देखिए राष्ट्र और राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्रीय के आगे क्या लगा सकते हैं आप, कुछ भी सोचिए। झंडा लगा लीजिए, राष्ट्रीय झंडा, चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लगाइए आप। तो देखिए अब राष्ट्र के आगे लगाते हैं राष्ट्र झंडा, सेट नहीं बैठ रहा है। राष्ट्र चिन्ह नहीं सेट बैठ रहा है। राष्ट्रीय झंडा बिल्कुल सेट बैठ रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? राष्ट्रीय जो होगा वो आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्र क्या हो गया? आपका विशेष हो गया। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। कांटा देख लीजिए, और कांटा और कटीला, तो कटीला क्या होता है? वृक्ष होता है, ठीक है, वृक्ष पौधा जो भी आपको मानना हो मान सकते हैं। कटीला वृक्ष सेट पड़ रहा है, कटीला पौधा बिल्कुल सेट पड़ रहा है। अब कांटा वृक्ष नहीं सेट पड़ रहा है, कांटा पौधा नहीं। कांटा पौधा क्या होता है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं ना। कटीला वृक्ष होता है, कटीला पौधा होता है। तो कटीला क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं बड़े आसानी से। अब पाठ देख लीजिए, और पाठ देख लीजिए जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, क्या करेंगे? पाठ के आगे लगा देंगे पुस्तक, ठीक है। पाठ पुस्तक होता है, ये सटीक बैठ रहा है। पाठ पुस्तक क्या होता है भाई? पाठ पुस्तक जैसा आपने कभी कुछ सुना है? नहीं सुना है। इसका मतलब पाठ आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, ठीक है, विशेष। और ये पाठ क्या हो गया आपका? पाठ हो गया आपका विशेषण। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से चीज़ों को 100% एक्यूरेसी के साथ एकदम सही सही करके आएंगे। जो भी ऑप्शन दिया हो उसके आगे बस क्या करना है? संज्ञा लगा देना है। चलिए और भी देख लेते हैं, घाव और घायल। अब घायल सुनते ही आपने क्या किया भैया? हमने कहा कि संज्ञा लगा देते हैं, व्यक्ति लगा देते हैं, घायल व्यक्ति भी होता है। तो घायल व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बालक, जो भी आपको लगाना लगा लीजिए। घायल व्यक्ति, तो कह रहे हैं बिल्कुल सही सर, सटीक बैठ रहा है। घाव व्यक्ति, घाव पे कुछ सट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? घाव आपका विशेष हो गया, ठीक है, विशेष हो गया। और ये क्या हो गया? घायल आपका विशेषण हो गया, ठीक है। अब जहर और जहरीला, अब जहरीला लगा हुआ तो आप कर लीजिए सांप, ठीक है। जहरीला सांप होता है, बिल्कुल होता है। जहर सांप होता है, जहर सांप होता है, कुछ क्या है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जहर क्या हो जाएगा? आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। और जहरीला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब जटा और जटिल में देख लेते हैं। जटिल क्या होता है भाई? प्रश्न हो सकता है, जटिल प्रश्न होता है, समस्या होती है, ठीक है। जटिल प्रश्न, समस्या दोनों हो सकती है। अब जटा प्रश्न और जटा समस्या थोड़ी होता है कुछ। तो इसका मतलब जटा क्या हो गया? विशेष हो गया। और जटिल क्या हो गया दोस्तों? विशेषण हो गया, ठीक है। तो ऐसे पता कर लेते हैं। दर्द और दर्दनाक, तो दर्दनाक क्या है भाई? मौत है, ठीक है। दर्दनाक मौत सेट पड़ रहा है, बिल्कुल सेट पड़ रहा है। दर्द मौत, अब दर्द मौत कैसे होता है भाई? दर्द मौत जैसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और दर्दनाक क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पता कर लीजिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष दोस्तों, इसीलिए मैं इतने सारे एग्जाम करा रहा हूँ, एग्जाम्पल करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, परीक्षा में आपको कुछ भी नया ना लगे। और भी प्रैक्टिस करिए जितने भी आपको मिल सकते हैं। अब उत्कृष्ट क्या होता है? व्यक्ति होता है। छात्र ले लीजिए, बालक ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको लेना है आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वही आप लीजिए। अब उत्कर्ष व्यक्ति होता है? कुछ नहीं होता है। उत्कर्ष छात्र नहीं होता है, उत्कर्ष बालक नहीं होता है, लेकिन उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, उत्कृष्ट छात्र होता है, उत्कृष्ट बालक होता है। इसका मतलब उत्कृष्ट क्या हो गया? विशेषण हो गया। जो भी सटीक पढ़े वो विशेषण, जो सटीक ना पढ़े वो विशेष है। अंत और अंतिम, अंतिम व्यक्ति कर लीजिए यहाँ पे, देखिए अंतिम व्यक्ति, तो सही बात है भाई। अंत व्यक्ति ये क्या होता है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और अंतिम क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। अब लास्ट और देख लेते हैं, ईर्ष्या और ईर्ष्यालु। तो दोस्तों इसमें क्या कर लेते हैं? ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति और ईर्ष्या व्यक्ति, दोनों में कौन सा सटीक पड़ रहा है? ये वाला सटीक पड़ रहा है भाई। ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, ईर्ष्या व्यक्ति थोड़ी होता है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, ईर्ष्यालु, ठीक है, विशेषण हो गया। और ये क्या हो गया? ये विशेष हो गया, ठीक है। ओज और ओजस्वी, ओजस्वी क्या है भाई? बालक है, नेता है, महिला है, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको संज्ञा सही लगे। अब ओजस्वी बालक बिल्कुल सही, ओजस्वी नेता बिल्कुल सटीक, ओजस्वी महिला बिल्कुल सटीक। अब ओज बालक नहीं सटीक, आपको अच्छा लगा? नहीं लगा। ओज नेता नहीं सही लगा, ओज महिला नहीं सही लगा। इसका मतलब ये क्या है? विशेष है।
खर्च और खर्चीला में देख लेते हैं। खर्चीला क्या, व्यक्ति लगा लेते हैं, बालक लगा देते हैं, महिला, जो भी आपको लगाना, बार बार वही घूम के आएंगे। जितने में करा दे रहा हूँ इन्हीं में से अगर आप इतने भी याद कर लेंगे, इतने तैयार कर लेंगे, तो इतने से भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप और भी प्रैक्टिस करिए। तो खर्चीला व्यक्ति बिल्कुल सही पढ़ रहा है। खर्च व्यक्ति क्या होता है भाई, खर्च व्यक्ति होता है, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, खर्च विशेष होता है, जबकि खर्चीला क्या होता है, विशेषण होता है। अब पराजय और पराजित, पराजित के आगे क्या लगा देते हैं, सेना, पुरुष, पराजित पुरुष, ठीक है, पराजित राजा, जो भी आपको लगाना हो। तो पराजित सेना बिल्कुल सही बात है, ये आपको क्या लग रहा है, सटीक लग रहा है। पराजय सेना ये आपको सटीक ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, जो सटीक ना लगे वो विशेष है। किताब और किताबी, तो किताबी क्या, कीड़ा ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। किताबी ज्ञान होता है, किताबी कीड़ा होता है, ये सब सटीक बैठ रहा है। अब किताब ज्ञान, किताब कीड़ा, ये क्या होता है, ये तो कुछ ऐसा सेट ही नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, विशेष से हो गया। रुद्र और रौद्र, अब रौद्र क्या होता है भाई, रूप होता है, ठीक है, रौद्र रूप तो होता है, रुद्र रूप थोड़ी होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रुद्र आपका हो गया विशेष और रौद्र आपका हो गया विशेषण। अब लोहा और लौह में देख लेते हैं। चलिए लौह क्या होता है दोस्तों, लौह में क्या करेंगे, संज्ञा लगाना है। चलिए सर पुरुष लगा देते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस वही है, लौह पुरुष होता है, लोहा पुरुष थोड़ी होता है। कहीं देखा आपने लोहा पुरुष, नहीं देखा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, लोहा आपका विशेष हो गया और लौह आपका विशेषण हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने इतने सारे एग्जांपल करा दिए हैं। अब आप लोगों के लिए ये दो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, इनको आप बताइएगा कि विशेषण इनमें कौन सा है और विशेष कौन सा है। कमेंट दोस्तों ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो पढ़ाया वो आप लोगों के समझ में आया है। और जिन लोगों का भी आंसर सही होगा उसे हम पिन कर देंगे, बाकी सभी लोग देख लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विशेषण विशेष का वीडियो। इतना पढ़ाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर होगी कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमें संज्ञा कौन सा लगाना है। जितने मैंने बताए इतने तो आप तैयारी कर लीजिएगा, और भी आपको जो लगता है आप अपने तरीके से भी उसे सोच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने हिंदी ट्रिक्स से रिलेटेड 33 वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ट्रिक के तो ज़रूर देखिए। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसके ज़रिए भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक जल्द से जल्द पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।